नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, अभी हो रहा है टाइम सुबह के 4 और आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे थोड़ा अंधेरा सा आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि अभी सुबह के हो रहे हैं 4। और आज का जो ब्लॉग है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जाने वाला हूँ आज मथुरा और हम लोग जाएंगे अपनी बाइक से। सो ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए इस ब्लॉग में। और मैं क्यों जा रहा हूँ मथुरा और क्या काम है मुझे और क्या हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। सो आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में और एंजॉय करिए इस वीडियो को। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। और हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, जिसका कि यूजर नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं और आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं शुकाबाद और भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं, ये हमें मिले थे अभी यहाँ शुकाबाद, और इनके साथ ही सफ़र को आगे बढ़ाएंगे हम लोग सीधे मथुरा तक और अपनी बाइक से जाने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को सुबह बताया था। और पीछे आप लोग इधर देखिए, यहाँ पर है बालाजी का बहुत ही पुराना मंदिर और यहाँ पर आज जैसा कि ट्यूजडे है तो आज लगता है यहाँ पर मेला और बहुत ही अच्छा मंदिर है। कभी मौका लगा तो ब्लॉग बना के एक दिखाएंगे आपको। और आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए इस ब्लॉग को, आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, काफी मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज है मथुरा में हम लोगों का दूसरा दिन और हम लोग कल आ गए थे मथुरा और 4-5 घंटे बाइक राइड करने के बाद काफ़ी थकान के बाद हम लोगों ने किया आराम। और उसके बाद कल का जो दिन था वो ऐसे ही निकल गया। शाम को थोड़ा हम लोग गए थे घूमने, एक मंदिर है यहीं पास में, कह सकते हैं कि जन्मभूमि है कृष्ण भगवान की और काफ़ी अच्छा सा मंदिर है वो। लेकिन उसमें एक जो कमी है वो वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाया। अभी मैं दोबारा वहाँ पर जाऊँगा और जो बाहर का कुछ सीन है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं और घूमने, भाई साहब बताएँगे कहाँ लेके जा रहे हैं घूमने। प्रेम मंदिर ले जा रहे हैं इनको, और प्रेम मंदिर ले जाएंगे, बिरला मंदिर ले जाएंगे। आज हम लोग मथुरा में जो विजिटेबल प्लेस हैं वहाँ हम लोग जाएंगे और अच्छे से जो मंदिर हैं उनको घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं।
गाइज अभी हम हैं मथुरा के बिरला मंदिर में, और आप सामने ये जो पिलर देख रहे हैं इतना ऊंचा, इस पर पूरी भगवत गीता लिखी हुई है। अगर मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी, तो आप लोग इस पे देख सकते हैं कि पूरी भगवत गीता यहाँ पर लिखी हुई है। और वैसे तो यहाँ शायद फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं चुपचाप से कर रहा हूँ। आप यहाँ से देखिए, अगर आपको मैं ज़ूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने की, ये देख सकते हैं आप लोग, इस पर पूरी भगवत गीता ऊपर तक लिखी हुई है। और यहाँ के कुछ मैं गार्डन एरियाज भी दिखा देता हूँ साइड में। और मथुरा में ज़्यादातर आप लोगों को इसी तरीके के मंदिर मिलेंगे और भी अच्छे देखने को। अभी हम लोग शाम के टाइम और जाएंगे अच्छे से मंदिर देखने। और ये काफ़ी सुंदर सा मंदिर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, काफ़ी टाइम हमें हो गया यहाँ पर, और भी काफ़ी जगह पर हमें जाना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक। तो गाइज़ इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर अभी एंड करने वाले हैं, बिकॉज़ अगर मैं सारे मंदिर एक साथ अगर इस ब्लॉग में लूँगा तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, और आगे के जो टेम्पल्स हम लोग घूमेंगे उसका एक अलग ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी सुंदर सा मंदिर है, हम लोग इसमें अभी आए हैं, और अभी दोपहर का टाइम है और मौसम काफ़ी है वो अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पर बारिश हो रही है हल्की हल्की, हम लोग बारिश का भी मज़ा ले रहे हैं साथ में। सो आप लोग बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को मंदिर, और अभी हम जो नेक्स्ट टेम्पल्स घूमने जाएंगे उसका आप लोगों को एक अलग ब्लॉग मिलने वाला है। सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।